शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज शाम 3 बजे कॉफी पर हम यश जी को कहीं जाने ही नहीं देंगे। जब तुम कॉल पर थी तब यश चला गया, या यूं समझो हमेशा के लिए चला गया। कहाँ है हमारे यश जी? पहले तुम मेरे साथ कॉफी डेट पर चलने के लिए हाँ तो करो। लगता है तुम्हें यश जी की कोई फिक्र नहीं, वरना हम तुम्हारे साथ कॉफी डेट पर जाने के लिए तैयार हैं। अंजलि यहाँ कैसे आ गई? वेलकम वेलकम प्रिंसेस। अंजलि इससे मिलने क्यों आई है? ये तो अपनी फर्स्ट डेट की बात कर रहा था, तो क्या अंजलि इसकी फर्स्ट डेट है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। भैया उनके लिए भी। यश जी, हमें आदित्य को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हम दोनों पति पत्नी को कॉफी पर जो इनवाइट किया। श्योर, थैंक यू आदित्य, इतनी तो मेहरबानी की। इन्हें शायद हम दोनों पति पत्नी की जोड़ी बहुत पसंद है ना आदित्य जी? वाह, हम दोनों के लिए आपने कितनी अच्छी सजावट की है। सच में हम दोनों पति पत्नी की तरफ से आपको दिल से थैंक यू। यश जी, आपको पता है आदित्य बहुत जिद कर रहे थे कि किसी भी तरह यश जी को इस कैफे में लेकर ही आना। क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों हो गए? अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम यश जी को अपने साथ कैसे लेकर आ गए? वो क्या है ना, जब आप हमें यहाँ आने के लिए इनवाइट कर रहे थे, हमें तभी यश जी का मैसेज आ गया था कि वो कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले। तो बस हमने उन्हें सीधा यहीं बुला लिया। हम दोनों पति पत्नी के लिए कितनी अच्छी डेट प्लान की आदित्य ने। सो डेट शुरू करें? यस। एक्सक्यूज मी।
आपको भी तो कॉफी पीनी थी ना हमारे साथ। एक मिनट आप रुकिए, वेटर भैया इनके लिए भी एक चेयर ले आए। मैडम, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती? एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगी? तुम तो बहुत ही समझदार हो। उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। भाई इस बात पे तो मुझे आप पर और ज्यादा प्यार आ रहा है। थैंक यू। मैंने सिर्फ उसे बुलाया था और वो यश को अपने साथ लेकर आ गई। अंजलि ने धोखा किया है मेरे साथ। ये तो वही लड़की है जिसकी सगाई यश के साथ होने वाली थी और ऐन वक्त पर यश ने ये लो, सबसे पहले अपने आंसू पूछ लो। मैं जानता हूं यश और अंजलि को साथ देखकर तुम्हें रोना आ रहा है ना? नहीं, मैं उन्हें आजाद कर चुकी हूं। अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं है यश के लिए। बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने। अरे मोहब्बत की जंग तो तब तक लड़नी चाहिए जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। लेकिन मैं आदित्य राजपूत तब तक ये जंग लड़ता रहूंगा जब तक अंजलि को हासिल ना कर लूं। वैसे इसने तुम्हें कॉफी पे क्यों बुलाया था? अरे सिर्फ हमें नहीं, हम दोनों को बुलाया था यश जी। मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। जो इंसान मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है वो मुझे कॉफी पीने के लिए क्यों बुलाएगा? वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत तो है। ये सनकी आदमी कब क्या कर बैठे कुछ नहीं पता। यश जी आप ये बताइए कि सरकारी दफ्तर में क्या हुआ? प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन लेकिन हो जाएगा। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं इस आदित्य को जीतने नहीं दूंगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमें आदित्य को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि इन्होंने हम दोनों पति पत्नी को कॉफी पर जो इनवाइट किया। तो कहा था कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है। तुम्हारे सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देते हैं कि वहां कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। एक ट्रक का टायर फटा था बस। लेकिन क्या पूछना चाहते हो? यही ना,
कि हमें कैसे पता चला? पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है ये तुम नहीं समझोगे। या हमें उनकी फिक्र हुई और तुरंत उनका मैसेज आ गया कि वो ठीक हैं। ऐसा होता है पति पत्नी का रिश्ता। फिर हमने सोचा चलो तुम्हारी वजह से ही सही, क्यों ना हम दोनों पति पत्नी कॉफी डेट पर चले जाते हैं। आइडिया सही है ना? वैसे तुमने सावित्री सत्यवान जी के बारे में सुना है? तो यूं समझ लो जैसे सत्यवान जी के साथ हमेशा उनकी सावित्री थी, वैसे ही यश जी के साथ हमेशा उनकी अंजलि है। और हमारे रहते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजलि आई। यश जी क्या बात है? यश जी आप हमें बुला रहे थे? जी बुला रहा था। चलो मेरे साथ। ऐसे कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? चलो तो सही। प्लीज बताइए ना यश जी कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है। अच्छा आराम से। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? अरे लेकिन खुद देख ले। चलो बताइए ना। कैसे किया आपने यश जी? तुमसे चोरी चोरी मैंने 2 दिन में ये सब कुछ किया। अब देखो तुम्हारे नया बिजनेस का सेटअप एकदम रेडी। एक मिनट। यश अंजलि तुम्हारे नए बिजनेस का पूरा सेटअप तैयार है और आगे भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे शेयर करें। आपने इतना कर दिया यही बहुत। यश जी हमारी बात हुई थी ना, आप अपना बिजनेस संभालेंगे और हम अपना काम संभाल लेंगे, लेकिन आपने सच में हमारे लिए बहुत कर दिया। आज के बाद हम खुद की पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच यश जी। अगर आप साथ नहीं होते तो हमारा ये सपना पूरा नहीं होता। बस अब एक और लक्ष्य सामने है, बिजनेस के साथ साथ हमें अपनी माँ को ढूंढना है। अंजलि तुम्हारी माँ भी बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है। कैसा अजीब घर है ये, हमारे कमरे में कितनी गंदगी फैली है। अरे यहाँ कोई साफ सफाई करता भी है क्या? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, खुद ही देख लीजिए कितना गंदा पड़ा है हमारा कमरा। अगर गंदा हो गया है तो हम साफ कर देते हैं। आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? वाह
तुमने इतनी आसानी से हमारा हुक्म मान लिया, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे संस्कार है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। हम घर आए मेहमानों का आदर करना अच्छे से जानते, तुमने तो कभी सुना भी नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। छोटी दादी बिल्कुल सही कह रही है, हम अपने शास्त्रों का मान रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप गलती से भी ये मत समझिएगा कि हम आपसे डर गए। और रही बात आदित्य की, वो हमारे घर का वारिस है, उसे तो हम खुशी खुशी अपना लेंगे और वो इस घर का बेटा बनकर रहेगा, ना कि खौफ की वजह बनकर। अकड़ तो भर भर कर है तुम लोगों के अंदर, लेकिन उसको छुपाना भी बखूबी आता है। हमें अपना कमरा साफ चाहिए बस। अरे आप लोग चलिए, हम इनका कमरा साफ करके आते हैं, आप लोग चलिए। ठीक से सफाई नहीं कर सकते तुम। जैसे हमने पहले भी इसे देखा है, कहाँ देखा है? चुपचाप अपने काम से काम रखो, हमारी चीजों को क्यों हाथ लगा रही हो? हम तो बस देख रहे थे कि आपने इतने पुराने ब्रेसलेट का टुकड़ा संभाल के क्यों रखा है? तुम हमसे ये सवाल पूछने वाली होती कौन? बस अपना काम करो। ऐसा ही अधूरा ब्रेसलेट कहीं तो देखा है आपने? हमें जब ऐसा ही दूसरा टुकड़ा मिला था तो हम उसे फेंकने जा रहे थे, लेकिन कब कहां याद नहीं आ रहा। ये क्या राज है? गोपाल कुछ बताना तो नहीं चाहते हमें? इस अधूरे ब्रेसलेट का संबंध कहीं हमारी हमारी जिंदगी से तो नहीं? कमरे में इतनी चीजें बदल रहा है जैसे जैसे हमारा ये कमरा कभी था ही नहीं, जैसे यहीं बस जाएगा हमेशा के। पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी इस सरफेरे से। फिलहाल हम अपना सामान ले लेते हैं जिससे हमें इसके रहते दोबारा यहाँ को भी ना आना पड़े। इसने हमारी अलमारी में लॉक भी लगा दिया। हमारी साड़ी का टुकड़ा संभाल के रखा है।
इंसान है, इसने हमारी तस्वीर क्यों रखी है? क्या बात है, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई, क्या बात है। हम अपने कमरे में आए हैं मिस्टर आदित्य, ये हमारा और यश जी का कमरा है और हमेशा हम दोनों का ही रहेगा। गलत फहमी का कोई इलाज नहीं, हर कब्जा करने वाले को यही लगता है कि वो जगह उसकी, लेकिन गलत फहमी टूटती तब है जब उन्हें धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाता है। फिलहाल सच्चाई यही है कि तुम रह रहे हो इस कमरे में, तो कोई बात नहीं, जब तक यश जी हमारे साथ है ना, कहीं भी खुशी से रह सकते हैं। मैं उसे ज्यादा दिन तक तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा अंजलि, फिर तुम्हें मेरे साथ खुश रहना सीखना पड़ेगा। हम अपना सामान लेने के लिए इस कमरे में आए थे, लेकिन तुमने अलमारी में ताला लगा रखा है, चाबी दो हमें। अब ना तो यहां हमारा कोई सामान रहेगा और ना ही हमारी कोई तस्वीर। सॉरी, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं। मुझसे इतनी नफरत कि अपने साथ तो क्या, अपनी तस्वीर के साथ भी नहीं रहने दोगी मुझे? यश जी के कपड़े कहाँ हैं? यश को तो हमसे दूर जाना ही है, इसलिए उसके कपड़े तुम्हारे कपड़ों से दूर कर दे। क्या बदतमीजी, छोड़ो मैं। तुमसे दूर जाने के लिए नहीं, तुम्हारे पास आने के लिए आया हूँ मैं। जाने दो हमें। तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही और तुम्हारे दिल की धड़कन मेरा साथ दे रही। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।